हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोना फूड एंड ट्रेवल। आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी। इसमें मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके की कढ़ी आज बनाऊंगी। मैं ज़्यादातर जो मैंने कढ़ी देखी है वो होती है बेसन के पकौड़ों की, या फिर हम बनाते हैं मूंग दाल की। लेकिन आज मैं जो कढ़ी में यूज़ कर रही हूँ पकौड़ों की, जो मैं यूज़ करूँगी इसमें अरबी का, इस तरह की होती है। इसे अच्छे से पानी से धो के कुकर में बिल्कुल स्टीम तक पकाना है। मीन्स इसमें कोई भी विसल नहीं लगानी है, क्योंकि स्टीम में ही अच्छे से गल जाता है। तो उतने में ही इसको पकाना है कि ताकि ये पूरा गल ना जाए, और फिर इसे छील के काट के रख लेंगे। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ लस्सी आधा लीटर। मैं यहाँ दही का यूज़ नहीं कर रही हूँ, आप दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लस्सी में मिक्स करने के लिए मैंने लिया है बेसन एक बड़ा चम्मच, धनिया हरा बारीक कटा हुआ, नमक स्वाद अनुसार, सूखे मसालों में मैंने लिया है लाल मिर्ची पाउडर सिर्फ थोड़ा सा लिया है आधा छोटी चम्मच, और आधी छोटी चम्मच मैंने लिया हल्दी पाउडर। साथ में हम यूज करेंगे हींग। खड़े मसालों में हम यूज करेंगे धनिया खड़ा और दो सूखी लाल मिर्च, और हम यूज करेंगे, ये मैंने यहाँ पे लिया हुआ है बारीक स्लाइस, मैंने इसे काट लिया है अदरक का, इसे हम यूज करेंगे कढ़ी में। यहाँ पे मैंने ये लहसुन की 5-6 कलियाँ थी जिन्हें मैंने अच्छे से थोड़ा सा कूट लिया है मोटा पेस्टल में, और इसे मैंने ऐसे करके स्लाइसेस में काट लिया है प्याज, एक मीडियम साइज का प्याज। तो चलिए फिर पहले हम अरबी को बॉईल कर लेते हैं, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी जो अरबी है वो उबल के तैयार है। मैंने उसको बॉईल करके धो के और मैंने उसे बॉईल कर लिया था, उसके बाद मैंने उसे इतने छोटे छोटे पीसेस में काट के रख लिया है। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कढ़ी बनाना। इसके लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल एक बड़ा चम्मच। यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अपना खड़ा धनिया, यानी कि सूखा धनिया, और दो सूखी लाल मिर्च। अब हम ऐड करेंगे प्याज और लहसुन।
हम इसे प्याज को और लहसुन को अच्छे से पकने देंगे। तो हमारा जो ये पक चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने सूखे मसाले और थोड़ा सा हींग। चुका है नमक, हमने ऐड अभी नहीं किया है नमक। हम जब हम अपना जो दही या लस्सी जो भी यूज़ कर रहे हैं वो डालने के बाद यूज़ करेंगे। तो अब मैं जो है, जो मेरी यहाँ लस्सी थी उसमें मैं मिक्स कर रही हूँ अपना बेसन जो मैंने लिया था। इतने अच्छे से आपको मिक्स करना है कि इसमें कोई भी गुठलियाँ ना रहें, अच्छे से जो है वो बेसन लस्सी में दही में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो हमारा जो ये मसाला है ये पक चुका है अच्छे से। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी अरबी जो हमने अच्छे से बॉईल कर ली थी और पीसेस में काट लिया था। इसमें थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे, उसके बाद हम ऐड करेंगे अपनी दही या फिर लस्सी। बस इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो भी हमारे मसाले हैं और जो हमारा प्याज लहसुन था, जो भी चीज़ें अभी तक हमने इसमें डाली हैं, वो हमारे अरबी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तब तक मिक्स करते रहेंगे जब तक कि इसमें बबल्स ना आ जाएं, क्योंकि मैं इसमें डाल दूंगी अपना ये अदरक जो मैंने काट के रखा था, ताकि ये भी साथ में पक जाए। और नमक
स्वाद अनुसार। इसे तब तक मिक्स करते रहेंगे जब तक बबल्स ना आ जाए, और उसके बाद जब ये पक के तैयार हो जाएगी उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपने हरा धनिया जो हमने बारीक काट के रखा हुआ है। और फ्रेंड्स इसे आप ज़रूर ट्राई करना, ये सीरियसली खाने में बहुत ही अच्छी लगती है और बिल्कुल नई रेसिपी है। ये जो है मेरे घर यानी कि जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ हिमाचल में ये बहुत खाई जाती है और बहुत ही फेमस है, मतलब हर घर में ये बनती है। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करना और मेरे साथ अपना जो भी आपके अनुभव रहेगा, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहेगा आप मेरे साथ शेयर करना। तो चलिए फिर इसे उबलने देते हैं।